Hello everyone, you are watching to Finest Education and in this video we are going to discuss the important applications of Indus Valley Civilization. So let's begin. The first question is, which of the following matter was not known during the Harappan civilization? तो दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा मेटल है जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में नोन नहीं था, नहीं जाना जाता था? So the options are option A, gold, option B, copper, option C, iron, या फिर option D, silver. तो अगर हम gold, copper या silver के बारे में बात करें, ये तीनों ही metal हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में जाने जाते थे. लेकिन option C, iron के बारे में बात करें तो iron उस टाइम पीरियड में नोन नहीं था. तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज आयरन. तो आयरन जो है वो हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में नोन नहीं था. तो आयरन जो है वो डिस्कवर नहीं किया गया था ड्यूरिंग दी हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है. और उस टाइम पीरियड में जो ब्रॉन्ज था या कॉपर था, टिन था, इसमें काफी ज्यादा मेटलर्जिकल एडवांसमेंट देखने को मिलता है. लेकिन अगर हम आयरन के बारे में बात करें तो आयरन जो है वो इंडियन इतिहास में जिसका इमर्जेंस है वो हमें देखने को मिलता है इन द एरा ऑफ ट्रांजिशन दैट इज नोन एज वैदिक पीरियड. तो वैदिक पीरियड जो है उस टाइम पीरियड में हम आयरन का यूज होते हुए देखते हैं. द पीरियड विच लास्टिंग फ्रॉम 1500 टू 1600 BC. तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ग्रोन बाय द पीपल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. तो दिए गए क्रॉप्स में से ऐसे कौन से क्रॉप्स थे जो हरप्पन पीपल उगाया करती थी? ग्राम, बार्ले, वीट एंड कॉटन. सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 1 दैट इज ग्राम, ऑप्शन बी 2 and 4 दैट इज बार्ले एंड कॉटन, ऑप्शन सी 1 and 4 दैट इज ग्राम एंड कॉटन, या फिर ऑप्शन डी ग्राम, बार्ले, वीट एंड कॉटन. सो ऑल ऑफ दीज वर ग्रोन ड्यूरिंग दैट पीरियड. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डेफिनेटली ऑप्शन डी. ये ग्राम ले लो या फिर बार्ले ले लो, वीट ले लो, कॉटन ले लो, ये सारे के सारे क्रॉप जो थे वो हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में ग्रो किया जाता था. तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से और भी क्रॉप्स थे जो उस टाइम पीरियड में ग्रो किए जाते थे. सो देयर आर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स लाइक पी, है ना. आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं कि खुदाई में पाया गया कि कौन कौन से और अदर क्रॉप्स जो है वहाँ पे उगाए जाते थे. लाइक पी विच इज कॉल्ड एज मटर इन हिंदी, ग्रीन ग्राम विच इज कॉल्ड एज मूंग इन हिंदी, मिलेट हो गया, रागी, राइस, पीजन पी विच इज कॉल्ड एज तुर या फिर अरहर इन हिंदी. तो ये सारे क्रॉप जो है उस टाइम पीरियड में उगाए जाते थे. वही अगर हम ऑयल सीड्स के बारे में बात करें तो शीशम जिसे हम तिल बोलते हैं हिंदी में, लिंसेट विच इज कॉल्ड एज अलसी का बीज इन हिंदी, मस्टर्ड जिसको हम सरसों बोलते हैं, ये सारे क्रॉप जो है उस टाइम पीरियड में वहां के लोग क्या करते थे, उगाया करते थे. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज और आर करेक्ट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो दिए गए तथ्यों में से ऐसे कौन से तथ्य हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सही है? तो चलिए स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं. स्टेटमेंट नंबर 1, इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट्स थ्रू प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन. स्टेटमेंट नंबर 2, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया. तो अगर हम स्टेटमेंट नंबर 1 के बारे में बात करें तो ऐसे बहुत सारे सीन्स मिलते हैं और फिगराइंस मिलते हैं हमें उस पीरियड के, जिनसे हमें पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में पशुपति लॉर्ड शिवा की पूजा हुआ करती थी. उसी तरीके से उस टाइम पीरियड में फीमेल एनर्जी जिनको शक्ति कह सकते हैं, मदर गॉडेस बोल सकते हैं, उनकी भी पूजा हुआ करती थी. इसी तरीके से वहां पे ट्रीज की भी पूजा हुआ करती थी, जैसे कि पीपल, और लोग जो है वो एनिमल्स की भी पूजा करते थे, जैसे कि बुल हो गए, बफेलो हो गए, टाइगर हो गए, इनकी भी पूजा हुआ करती थी. साथ ही लोगों का मैजिक में, सेक्रीफाइस में भी विश्वास हुआ करता था. तो
तो स्टेटमेंट नंबर वन तो बिल्कुल सही लगता है। अगर हम स्टेटमेंट नंबर टू के बारे में बात करें तो उस टाइम पीरियड में कॉटन का भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था। कॉटन जो है उसको टेक्सटाइल्स बनाने के लिए यूज किया जाता था। इस तरीके से दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही साबित होते हैं और इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के बारे में। So the fourth question is, Indus Valley civilization is called as Harappan culture because Indus Valley civilization ko Harappan culture bhi kaha jata hai kyunki the options are Harappa was the first site to be excavated in Indus Valley kyunki Harappa wo pehli site thi jo ki khudai karke Indus Valley mein nikali gayi thi ya fir option b most of the evidences have been found from Harappa kyunki zyada tar evidences jo hai wo hame Harappa se milte hain isiliye Indus Valley civilization ko Harappan culture kaha jata hai ya fir option c Harappa is larger than Mohenjo-daro kyunki Harappa Mohenjo-daro se bada tha ya fir option d none of these so the correct option for this question is option a क्योंकि हरप्पा वो पहली साइट थी जो कि खुदाई करके इंडस वैली में निकाली गई थी और इसी कारण से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन कल्चर भी कहा जाता है। वही अगर हम हरप्पा के बारे में बात करें तो हरप्पा एक ग्रेट सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कि फ्लोरिश करता था अलोंग द वैली ऑफ इंडस रिवर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो इंडस रिवर है उसके अलोंग में ही ये हरप्पा था और इसको सबसे पहले जो ब्रीफली एक्सकेवेशन जो है इनका सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था इन द ईयर 1872 से 1703 को। और जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम है उन्हें फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है इन इंडिया। वही अगर इसके एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन के बारे में बात करें तो इसका एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन जो है वो दयाराम सहनी ने किया था इन द ईयर 1920। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा प्लेस है जो कि हरप्पन साइट नहीं है। द ऑप्शन आर ऑप्शन ए चाहुंदारो, ऑप्शन बी फोर्ट डीजी, ऑप्शन सी सोहगौरव या फिर ऑप्शन डी बेसरपुर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, वह सोहगौरव है वो हरप्पन साइट नहीं है, बट अगर उसे छोड़ के हम बात करें तो चाहुंदारो, फोर्ट डीजी और बेसरपुर ये तीनों ही साइट जो है हरप्पन साइट है। अगर हम चाहुंदारो या फोर्ट डीजी के बारे में बात करें तो जो चाहुंदारो और फोर्ट डीजी है ये दोनों ही प्लेसेस आज की डेट में पाकिस्तान में है और बेसरपुर जो है ये गुजरात में। और अगर हम सोहगौरव के बारे में बात करें तो सोहगौरव है वो एक छोटा सा विलेज है जो कि प्रेजेंटली लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। ये एक हरप्पन साइट नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें एक कॉपर प्लेट मिलता है जो कि अशोकन एरा का मालूम पड़ता है। यह प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सिक्स, इन सिंधी लैंग्वेज द वर्ड मोहनजोदारो मीन्स, सिंधी लैंग्वेज में मोहनजोदारो शब्द का क्या मतलब। द ऑप्शन आर ऑप्शन ए द लैंड ऑफ द लिविंग, ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन सी गॉड्स ऑन लैंड या फिर ऑप्शन डी द पीपल ऑफ सिंध। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवन, लोथल इज लोकेटेड एट ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी हिसार या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए अहमदाबाद। सो जो लोथल है वो अहमदाबाद में लोकेटेड है, एज यू कैन सी हियर इवन इन दिस मैप ऑल्सो, जो लोथल है वो अहमदाबाद में लोकेटेड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस वॉज नॉट फाउंड इन मोहनजोदारो। सो दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा एविडेंस है जो कि मोहनजोदारो में नहीं मिला। द ऑप्शन आर ऑप्शन ए ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल, ऑप्शन बी पशुपति महादेव सिल्स, ऑप्शन सी स्टेयरटाइप फिगर ऑफ अ बियर्डेड प्रिस्ट या फिर ऑप्शन डी बीड मेकिंग फैक्ट्री।
तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो बीट मेकिंग फैक्ट्री है वो हमें मोहनजोदड़ो में नहीं देखने को मिलती है, पर उसके अलावा अगर हम ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल के बारे में बात करें, या फिर पशुपति महादेव की सील के बारे में बात करें, या फिर स्टेरियोटाइप फिगर ऑफ अ बियर्डेड प्रिस्ट के बारे में बात करें जिसे हम प्रिस्ट किंग भी बोलते हैं, तो ये तीनों के तीनों एविडेंसेस हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिलते हैं। लेकिन बीट मेकिंग फैक्ट्री जो है वो हमें चांदनदारों में देखने को मिलता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नाइंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वर यूज्ड इन द हरप्पन सील्स। तो दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा मटेरियल था जो कि हरप्पन सील्स में उपयोग किया जाता था, यूज किया जाता था। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी वुड, या फिर ऑप्शन डी स्टेरियोटाइप। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो स्टेरियोटाइप जो है वो जो है मटेरियल यूज किया जाता था हरप्पन सील्स को बनाने के लिए। नाउ द 10th क्वेश्चन इज द हरप्पन सिविलाइजेशन इज रिफर्ड एज हरप्पन सिविलाइजेशन को कहा जाता है। द ऑप्शंस आर गोल्ड ए सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी सिल्वर ए सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी स्टोन ए सिविलाइजेशन, या फिर ऑप्शन डी ब्रॉन्ज ए सिविलाइजेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, द हरप्पन सिविलाइजेशन इज रिफर्ड एज ब्रॉन्ज ए सिविलाइजेशन, क्योंकि इस सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा मेटलर्जिकल एडवांसमेंट किसमें देखने को मिलता है, ब्रॉन्ज में, स्टील में और कॉपर में। 11th क्वेश्चन इज Which metals were used mostly to make weapons and tools in Indus Valley civilization? So, दिए गए ऑप्शन में से ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनका उपयोग किया जाता था वेपन्स और टूल बनाने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गोल्ड एंड सिल्वर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कॉपर एंड ब्रॉन्ज, या फिर ऑप्शन डी स्टील। सो The correct option of this question is option C, copper and bronze. तो जैसे कि हमने डिस्कस भी किया, हमने पढ़ा भी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और ज़्यादातर मेटलर्जिकल एडवांसमेंट हमको ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टीन भी देखने को मिलते हैं, तो नेचुरली जो वेपन्स एंड टूल्स होंगे वो भी इस टाइम पीरियड में कॉपर एंड ब्रॉन्ज के ही बने। क्वेश्चन नंबर 12, विच सॉइल वॉज यूज टू मेक ब्रिक्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कौन सी सॉइल का उपयोग किया जाता था ईटे बनाने के लिए इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन आर ऑप्शन ए एल्यूवियल सॉइल, ऑप्शन बी लेटराइट सॉइल, ऑप्शन सी रेड सॉइल, या फिर ऑप्शन डी ब्लैक सॉइल। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज एल्यूवियल सॉइल। जो एल्यूवियल सॉइल है उसका उपयोग किया जाता था ईटे बनाने के लिए इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट। The 13th question is, which town in Indus Valley has no citadel? So, option में दिए गए towns में से ऐसा कौन सा town in Indus Valley civilization था जहाँ पे citadel नहीं है? The options are option A, Chahundaro, option B, Mohenjo-daro, option C, Kalibangan, या फिर option D, Harappa. So, the correct option of this question is option A, Chahundaro. So, Chahundaro है वो एक ऐसा टाउन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहाँ पे सिटेडल नहीं है। उसको छोड़ के मोहनजोदड़ो, कालीबंगन एंड हरप्पा इन तीनों ही जगहों पे सिटेडल मिलते हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, यू मस्ट बी वंडरिंग दैट व्हाट इज सिटेडल। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि सिटेडल की एक जनरल डेफिनेशन क्या है। सिटेडल जो है वो बेसिकली एक फोर्टिफाइड प्लेस होता है जहाँ से पूरी सिटी को कंट्रोल किया जाता है। It is basically used to control the inhabitant and in defense during the attack and siege. तो ये क्यों use किया जाता है? वहाँ के रहने वाले लोगों को अच्छे से control करने के लिए, उनके defense के लिए, ताकि अगर उनके ऊपर कोई attack हो या area को seize करने की कोशिश की जाए तो वहाँ के लोगों को अच्छे से बचाया जा सके। तो इसलिए citadel जो है वो बनाया जाता है। So I hope कि अभी आपको एक simple definition समझ में आ गई है कि citadel क्या होती है। Now let's move to the next question.
So the next question is, which of the following is the biggest building in Mohenjo-daro? So diye option mein se kaun si biggest building hai Mohenjo-daro mein? The option A is the Great Bath, option B the Granary, option C Pearl Factory, ya phir option D Bangle Factory. So the correct option of this question is option B. Jo Granary hai wo sabse biggest building hai जो कि मोहनजोदड़ो में पाई गई. और अगर हम ग्रीनरी के बारे में बात करें तो ये ग्रीनरी जो है ये भी सबसे लार्जेस्ट है और ये 27 रूम्स में डिवाइडेड है जो कि डिफरेंट शेप एंड साइज के पाए गए. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द 15th क्वेश्चन इज, वेयर इज राखीगढ़ी लोकेटेड? जो राखीगढ़ी है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. राखीगढ़ी इज लोकेटेड इन हरियाणा. तो अगर हम राखीगढ़ी के बारे में बात करें तो ये हरियाणा में लोकेटेड है और ये लार्जेस्ट हरप्पन साइट है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है. राखीगढ़ी के अलावा और भी लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जैसे कि हरप्पा और मोहनजोदड़ो. लेकिन प्रेजेंटली हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, लेकिन राखीगढ़ी एक ऐसा साइट है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है और इंडिया की लार्जेस्ट साइट मानी जाती है. वही अगर हम राखीगढ़ी के बारे में और भी बात करें तो राखीगढ़ी जो है हाल ही में न्यूज में था क्योंकि यूनियन बजट 2021 में ये प्रपोज किया गया था कि राखीगढ़ी को एक आइकॉनिक सिटी बनाना, और इसीलिए ये साइट जो है अगेन न्यूज में आ गया था. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. इफ यू लाइक आवर वीडियो देन हिट अ लाइक आइकॉन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट येट देन सब्सक्राइब इट फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. सी यू देन नेक्स्ट टाइम.